सोलन के माल रोड पर अवैध रूप से चल रही रेहड़ी फेरी चालकों पर नगर परिषद का डंडा चला और सभी रेहड़ी फेरी चालकों का सामान जो सड़क पर लगा था वे नगर परिषद के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। उपायुक्त सोलन के आदेशों पर कार्यवाही अमल में लाई गई ताकि सोलन का दिल कहा जाने वाला माल रोड साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई दे। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर परिषद कई बार कार्यवाही कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी हल नगर परिषद नहीं निकाल पाई। सोलन के माल रोड पर अवैध रूप से चल रही रेहड़ी फेरी चालकों पर नगर परिषद का डंडा चला और सभी रेहड़ी फेरी चालकों का सामान सड़क पर लगा था वह नगर परिषद के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। उपायुक्त सोलन के आदेशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई ताकि सोलन का दिल कहा जाने वाला माल रोड साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई दे। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर परिषद कई बार कार्रवाई कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी हल नगर परिषद नहीं निकाल पाई है। यही कारण है कि माल रोड पर प्रतिदिन रेहड़ियां ज्यादा लगने लगी हैं जिसकी वजह से माल रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। जब नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई तो रेहड़ी फेरी चालकों ने इसका विरोध भी किया और काफी देर तक माल रोड पर हंगामा भी होता रहा लेकिन नगर परिषद कर्मचारियों ने सभी की बातों को अनदेखा करते हुए अपना अभियान जारी रखा और माल रोड पर चल रही सभी रेहड़ी फेरी चालकों का सामान जब्त कर लिया। साथ ही सभी को चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में वे फिर से माल रोड पर बैठकर अपना माल बेचेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं रेहड़ी फेरी चालकों ने मीडिया के समक्ष दुहाई देते हुए कहा कि वे मेहनत कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं और किसी भी तरह का अवैध काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन उन पर इस तरह की कार्रवाई करता है तो उन्हें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को गलत ठहराया। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? बच्चे हमारे छोटे छोटे, अगर हम अपने बच्चों को तो बुरा लग रहा है जब हम कुछ गलत करेंगे कि चोरी करेंगे डाका करेंगे तब अच्छा लगेगा। मेहनत करके हम अपने बच्चों को पा दे, जब मेहनत करके हम अपने बच्चों को पा दे तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।